आज ब्लॉक केसली थाना परिसर प्रांगण में मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित जय किसान फसल ऋण माफी योजना कार्यक्रम में उपस्थित कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव, जिला सीईओ चंद्रशेखर शुक्ला, एसडीएम राकेश मोहन त्रिपाठी, एसडीओ ओपीएस नरवारिया, तहसीलदार यशवंत कुल्हार, नायब तहसीलदार संगीता महतो, सीईओ अंजना नागर, डीओ एसआर मिश्रा सहित पार्टी के उपस्थित कार्यकर्ता अंजनी फौजदार, पूर्व सरपंच उमेश खेहुरिया, राजेंद्र जैन, राजेंद्र शुक्ला, मुन्नू भैया, संजय उपाध्याय, समनापुर सुखदेव अरेले, संदीप अरेले, पूरन सिंह लोधी डोमा, शिवराज सिंह, रामगोपाल सिंह राजपूत सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सहित किसान और क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव द्वारा उपस्थित पुरुष और महिलाओं, कृषकों, माला पहनाकर सम्मान और ऋण माफी पत्र वितरण किए। उपस्थित किसानों ने मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो संकल्प लिए गए थे आज पूर्ण कर ऋण माफी भोजन की व्यवस्था सभी के लिए की गई है। कृपया यहाँ से भोजन ग्रहण करके आप जाएं। सबके लिए समुचित भोजन व्यवस्था शासन प्रशासन द्वारा की गई है। तो सभी यहाँ से जाने से पहले मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री, इस क्षेत्र के लाडले विधायक माननीय हर्ष यादव जी, अभी प्रथम चरण में 16 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध की गई है और ये बैंक जो आपका खाता है, बैंक खाता उस खाते में जमा हो जाएगी और आप उस पैसे से मुक्त हो जाएंगे। जैसे जैसे बैंकों के माध्यम से केस हमारे पास आ रहे हैं कलेक्टर लोगन पे, हम लोग उसको लगातार शुरू कर रहे हैं और ये जो राशि है लगभग 2018 में जिस पर लोन था और जैसे कि चुका भी दिया है 12 दिसंबर 2018 किस्ती में, तो उसका भी लगातार लोन माफ होगा। तो उसी प्रकार की है कहना चाहिए, जन्म होने के पहले से लेकर और मृत्यु तक हर प्रकार की सांत्वना राशि, सहायता राशि, उपचार राशि व्यवस्था की है करता है और भारतीय महिलाओं को देता है। पति के जन्म के हिसाब से जो टीकाकरण वगैरह होता है, 30 साल बहाल करता है। उसके अलावा सारा पत्रकार सर, पहले सर एक मिनट, सारा पत्रकार क्या बोल रहे हैं सर?